Hi guys, welcome or welcome back to my channel, myself Imani. So today I am back with another video and आज कुछ special है. क्या special है मैं बताती हूँ. आज है मेरा farewell. हमारे school में farewell party है आज और हमारे juniors हमें दे रहे हैं farewell party. So I am very excited for that. मुझे उसके लिए ready होना है, मुझे school जाना है. वैसे मैंने hair cut भी करवाया, ये देखो तुम्हें दिख रही होंगी loose waves. अभी तो इतना नहीं दिखाई दे रहा है बट हाँ मैंने करवाई है क्योंकि आई जस्ट वोक अप तो अभी इतना नहीं दिखाई दे रहा. हमारा जो पार्टी स्टार्ट होने वाली है वो है 11 AM. 11 बजे वो स्टार्ट होने वाली है, 11 बजे तक हमें स्कूल में पहुंचना है. तो यस, अभी इट्स करंटली 7 o'clock और मुझे अपनी फ्रेंड को कॉल करना है. उसके बाद में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि और मेरा आउटफिट क्या रहने वाला है. ऑफकोर्स साड़ी रहने वाली है यार, सब साड़ी पहनते हैं फेयरवेल के दिन और मैं फर्स्ट टाइम पहने वाली हूँ. और मैं तुम्हें दिखाऊंगी किस कलर की मेरी साड़ी है, बहुत ही प्यारी साड़ी है. और मैंने ये जो मेरा जितना भी हेयर कट वगैरह है, मेरी साड़ी, मेरा आउटफिट, सब कुछ मैंने लिटरली एक दिन में अरेंज किया है. पिछले दिन मैं गई थी मार्केट और तब मैंने सारी चीज़ें ली. पिछले दिन ये हेयर कट भी मैंने पिछले कल करवाया है क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं फेयरवेल जाऊंगी, मेरा मन भी नहीं था. बट फिर मैंने सोचा यार क्या हो गया तेरे को, जा फेयरवेल में, क्योंकि मैं बचपन से सोचती आई हूँ कि एक दिन मेरा भी फेयरवेल होगा और मैं भी व्लॉग बनाऊंगी और मैं भी जाऊंगी स्कूल, ये मजा करूंगी. जब मैं छोटी थी तो मैं अपने से बड़े बच्चों को देखती थी, 12th वालों को, कि इनका फेयरवेल हो रहा है, वाह एक दिन मेरा भी होगा. तो आज वो दिन है, आज मेरा फेयरवेल है और मेरी 12th क्लास फाइनली एंड हो रही है. तो मुझे आज रेडी होना है उसके लिए. साड़ी पहनने वाली हूँ मैं, साड़ी पहनने वाली हूँ मैं, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड अभी मुझे पानी पीना है, उसके बाद मैं ब्रश करूँगी एंड आफ्टर दैट आई टुक अ शावर एंड मुझे रेडी होना है. मम्मा मुझे साड़ी लगाने वाले हैं तो तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी किस कलर की मेरी साड़ी है. एंड छोटा मोटा ऐसे जो रहता है ना मिनिमम सा मेकअप, वो भी मैं करने वाली हूँ. वैसे मुझे मेकअप आता नहीं है ना मेरे पास इतना प्रोडक्ट है, बट जितना भी मेरे पास है मैं तुम्हें दिखाऊंगी. और मैंने कुछ ऐसा डिसाइड ही नहीं किया था, मैंने तुम्हें पहले बताया कि मेरे को हेयर कट करवाना है, मेरे को साड़ी लेनी है, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था. बट मैं गई, मैंने आंटी को बोला कि मेरे फेस शेप के अकॉर्डिंग जो भी हेयर कट अच्छा लगेगा वो कर दो. तो उन्होंने ये किया, ये तो मैं दिख रहा है. बट मैंने उनको बोला था कि मेरे को लूज वेव चाहिए, ऐसे चाहिए मेरे को, ऐसे दिखनी चाहिए. तो उन्होंने ये वाला कर दिया और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा है, मतलब मेरी फेस शेप के अकॉर्डिंग ये अच्छा लग रहा है. चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड आज मुझे स्कूल जाना है, मुझे बहुत सारी पिक्स क्लिक करवानी है अपने फ्रेंड्स के साथ में, टीचर्स के साथ में, और डांस करेंगे, पार्टी, एंजॉय. तो चलो अभी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करने के लिए और अब मैं सीधे तुम्हें मिलती हूँ शावर लेने के बाद में. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, सो आई जस्ट केम बैक आफ्टर टेकिंग अ शावर और मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, मैंने हेयर ऊपर की तरफ बांधे हैं, ऐसे मैंने हेयर वॉश नहीं किया क्योंकि कल मैं हेयर स्ट्रेट करवा के आई हूँ. अब मैं करने वाली हूँ स्किन केयर, जो मेरी मॉर्निंग की स्किन केयर रूटीन रहती है उसको मैं फॉलो करूँगी. तो अभी करंटली 1 month से मैं ये क्योर स्किन की किट यूज़ कर रही हूँ. इसमें बेसिकली 4 products आते हैं और जो मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में जो प्रोडक्ट रहते हैं वो है 2. पहला है ये सेंसिटिव प्रो क्लिनजर, ये फेस वॉश है. और सेकंड है ये मिनरल सनस्क्रीन. दैट्स इट, ये 2 products हैं जो मैं मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ. और रात के टाइम में मैं कभी शेयर करूँगी तुम्हारे साथ अपने स्किन केयर रूटीन, तो तब बताऊँगी. बाकी अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये फेस वॉश करने वाली हूँ और उसके साथ में मैं लगाने वाली हूँ ये सनस्क्रीन. मेकअप करेंगे हम अपर पहनने के बाद में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ये 2 products मैं यूज़ करने वाली हूँ. ओके, सो मेरी स्किन केयर हो गई है और अब मैं रेडी हूँगी अपने फेयरवेल के लिए. मैं साड़ी पहनने वाली हूँ. ऑफकोर्स मैं तुम्हें साड़ी दिखाती हूँ पहले, फिर मैं मम्मा को बुलाऊंगी कि मुझे साड़ी लगाओ भाई. पहले तो मैं अपर पहनने के बाद मैं मेकअप करूँगी, देखती हूँ कैसे होगा क्योंकि मुझे जल्दी पड़ी है अभी फ़िलहाल के लिए, तो क्योंकि मैं हर बार लेट हो जाती हूँ किसी भी ओकेजन में जाने के लिए, लेट हो जाती हूँ. तो मुझे जल्दी करना है क्योंकि मेरे को वीडियो भी शूट करनी है, व्लॉग भी बनाना है. सो चलो अभी जल्दी से मैं तुम्हें साड़ी दिखाती हूँ, एक सेकेंड. तो ये है मेरी साड़ी, ये डार्क मरून कलर की है और इस पर ब्लैक ब्लैक कलर की शेड है, मतलब इस पर ब्लैक ब्लैक शाइन आती है. सो दिस इज माय साड़ी, ये इस कलर की साड़ी है, ये स्टोन्स, वाव. और ये लटकन भी है, ठीक है, ये एंड वाला पल्लू है जो यहाँ से नीचे को ऐसे गिरता है, तो ये और ये ऐसे ही इतनी ब्यूटीफुल ऐसे, वाव. तो अभी मैं रेडी होना स्टार्ट करूँ, मम्मा को बुलाऊंगी और इसको प्रेस भी करना है. एक और चीज़, मैं जो एक्चुअली मेरे पास 2 purses थे, एक है मेरे पास लाइट पिंक कलर का
और एक है मेरे पास ये वाला पर्स, तो मैं इस साड़ी के साथ में ये वाला पर्स ले जाने वाली हूँ क्योंकि ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है आई गेस। स्पेशली ये जो यहाँ से चेन है ना, ये बहुत सुंदर लग रही है, और पर्स ऐसे देख लो, तो इसकी लुक बहुत सुंदर आ रही थी मेरी साड़ी के साथ में, तो ये वाला पर्स मैं कैरी करने वाली हूँ। एंड अभी स्टार्ट करते हैं जल्दी से मेकअप करना, चलते। अब हम लगाने वाले हैं आईलाइनर। परफेक्ट मम्मा, आप साड़ी लगा दो, ये कर दो प्रेस कर। पहले मैं साड़ी लगा लेती हूँ। मेरे को रेडी करने के लिए, उसमें सामान डालने के लिए। इनको टास्क मिला है पहाड़ी डांस। थैंक यू मानी शर्मा। लाए कॉफी, तेरा कल नहीं आएगा ही कभी।
आई जस्ट नहीं, मैं कब की आ गई हूँ फेयरवेल से, और मैंने जस्ट अभी शूट किया गेट अनरेडी विद मी, मैंने शूट किया, तो अभी मेरे को रह जाता है बस फेस वॉश वगैरह करना, ये आईलाइनर वगैरह मिटाना है सब कुछ, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। बट आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत मेमोरेबल रहेगा। इनफैक्ट मैं सोच रही थी मैंने फेयरवेल नहीं जाना है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया था कि मेरा मन नहीं था जाने का, बट मैं गई और मैं मिस फेयरवेल बन गई, और मुझे गिफ्ट भी मिली है, उसको मैंने अनबॉक्स करना है अभी। तो यस, मैं मिस फेयरवेल बन गई हूँ। मैंने सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मैंने हर जो जितने भी टास्क दिए वो अच्छे से कंप्लीट किए, और क्योंकि लास्ट टाइम था देखो तो अच्छे से करना ही था ऑफकोर्स। बट अब मुझसे कोई पूछेगा, एडवाइस मांगेगा, तो मैं बताऊंगी कि भाई अपने टाइम में तो मैं मिस फेयरवेल बनी थी, तो वो ये बस। और बहुत अच्छा आज का दिन रहा, बहुत मज़े किए हमने, बहुत ज़्यादा मज़े किए, और यस काफ़ी अच्छा था। टाइटल भी मुझे काफ़ी अच्छा मिला, टाइटल मैं बता देती हूँ, टाइटल मुझे मिला है मिस क्यूटी पाई, मिस क्यूटी पाई टाइटल मुझे मिला है, और आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम जब मैंने सुना कि मेरे को मिस क्यूटी पाई मिला है, और मेरी फ्रेंड है लाइक क्यूटी पाई। तो बस वो ही बोलना था वीडियो को एंड करने के लिए, एंड काफ़ी अच्छा आज का दिन रहा, काफ़ी थक चुकी हूँ मैं, और मुझे अभी सारा अपना फेस वॉश करना है, नाइट की जो स्किन केयर रूटीन रहती है वो मैंने फॉलो करनी है। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी, अपलोड करूंगी, गेट अनरेडी विद मी, अनरेडी विद मी शॉर्ट मैं अपलोड करूंगी एक वीडियो यूट्यूब पे, तो तब तो मैं बता दूंगी कि मेरी नाइट स्किन केयर रूटीन क्या रहती है। और आज का दिन बहुत अच्छा था, ठीक है बाय। मैं अभी जल्दी से, मेरे को सोना भी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो अब मैं डायरेक्टली तुम्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, देखती हूँ क्या बनाने वाली हूँ मैं, और बोर्ड बहुत नज़दीक है, बोर्ड एग्ज़ाम, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना, स्ट्रेस मत लेना भाई, स्ट्रेस किस बात की, कंपटीशन ऐसा, और कंपटीशन मत रखना, इस भावना को मत रखना कि दूसरे से ज़्यादा आना चाहिए, ऐसा वैसा ऐसा कभी मत रखना, खुद से कंपटीशन रखना और अपना बेस्ट देना, ताकि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पे स्ट्रेस आ रही है तो रहन दो, मतलब इतना अपने कैपेसिटी से ज़्यादा कभी मत करना, वो तुम्हारे लिए स्ट्रेसफुल ही होगा। बाकी ठीक है, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, बाय, लव यू गाइस सो मच, ठीक है बाय। सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करके रखना, मैं ऐसे ही ब्लॉग्स डालती रहूंगी, और पेपर के बाद में भी आएंगे, दूसरे चैनल पे भी आएंगे, बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी आप दूसरे चैनल पे भी व्लॉग लाओ, तो पेपर के बाद आएंगे, क्योंकि अभी तो देखो पढ़ाई लगी है, तो मैं इसी चैनल पे वीडियोस डाला करूंगी। तो बस अभी देखती हूँ क्या काम करना है मुझे, और ठीक है बाय, लव यू।